यहाँ पर हम जानना चाहेंगे अवाम से कि बीजेपी का बसो कल्याण से टिकट किसको मिलना चाहिए? गुंडा रेड्डी को। गुंडा रेड्डी आपको क्यों मिलना चाहिए? वो अच्छा आदमी है, सब काम करने वाला है, हमारे गाँव का तालुके का आदमी है, इसलिए हमारा हमारे को उन्हें चाहिए। बसो कल्याण से बीजेपी का टिकट किसको मिलना है? एमएलए का? कांग्रेस। कांग्रेस को मिलना है? क्लियर नहीं आया। चंद्र सलगर साहब बोल दिया करो कर तुम्हें गुंडा रेड्डी को। हाय नंबर करो, देखिए हाय गुंडा रेड्डी नंबर है। गुंडा रेड्डी बोलूँ और क्या? गुंडा रेड्डी की मिलना, गुंडा रेड्डी साहब को मिलना चाहिए। गुंडा रेड्डी साहब को क्यों मिलना चाहिए? चाहिए। और आप भी कमेंट कर जरूर बताइए कि बसो कल्याण से बीजेपी का कैंडिडेट कौन होना चाहिए? मिलना चाहिए टिकट चरण सलगर को मिलना चाहिए। अब हमारा यूथ लीडर तो गुंडा रेड्डी है। गुंडा रेड्डी जी? गुंडा रेड्डी क्यों? गुंडा रेड्डी? गुंडा रेड्डी सर। गुंडा रेड्डी साहब क्यों होना चाहिए? गुंडा रेड्डी साहब किसको? गुंडा रेड्डी साहब चरण सरकार भी है ना? है ना, कुछ 18 महीने में कुछ किया ही नहीं। हां 18 महीने में कुछ किया ही नहीं। 18 महीने में कुछ भी नहीं किए? कुछ नहीं किए चरण सरकार। बोले क्लियर क्लियर क्या है? हां कुछ किया ही नहीं। काम क्या किया? काम नहीं किए। नहीं किया। रोड बनाए, ये बनाए, कुछ वैसे कुछ नहीं। ये मलगी रोड बना है, पूरा कच्चा बना है, एक महीने में खराब हो गया रोड। को मिलना चाहिए बीजेपी से टिकट बसो कल्याण से? गुंडा रेड्डी। गुंडा रेड्डी को। हमारे को अपना सब मालूम नहीं होता जी। कौन? शरनू सलगर साहब होना जी। हमको गुंडा रेड्डी चाहिए जी। प्रदीप वस्तावाड़े को मिलना चाहिए क्योंकि लोकल का आदमी है। गुंडा रेड्डी सच को? गुंडा रेड्डी साहब को। हाँ क्यों मिलना चाहिए उनको? क्यों बोले तो सरदार यंग जनरेशन में अच्छे काम कर रहे हैं। बीजेपी की टिकट किसको मिलना चाहिए? गुंडा रेड्डी साहब है, शरनू सलगर साहब है, अनिल साहब है, प्रदीप साहब है, किसको मिलना चाहिए? कोई मिलने का हम कैसा बोलने आता है? दोनों में सही है, गुंडा रेड्डी भी सही है, शरनू सलगर भी सही है, मिलना दोनों में किसको देख को समझो। क्या है ना, गुंडा रेड्डी एक अच्छा आदमी है, मिले तो अच्छा है उसको। मिलना चाहिए गुंडा रेड्डी को? दे दो टिकट। दे गुंडा रेड्डी को। अब गुंडा रेड्डी को मिलना चाहिए। गुंडा रेड्डी को? हाँ किसको मिलना चाहिए टिकट? गुंडा रेड्डी को। गुंडा रेड्डी शरनू सलगर साहब है, वो हमको कुछ को बड़े बड़े लोगों की देखते हैं, छोटे आदमी को नहीं देखते हैं। क्या बोले? टिकट बसो कल्याण से बीजेपी का किसको मिलना चाहिए? शरनू सलगर, गुंडा रेड्डी साहब है, प्रदीप साहब है, अनिल साहब है, किसको मिलना चाहिए? सब जने है। हाँ किसको मिलते क्या देखो बा? हाँ चाहिए प्रदीप कुमार को मिलना। प्रदीप कुमार को? हाँ। शरनू सलगर साहब क्या कहते हैं भाई? वो मिनिस्टर साहब को मारा था, हम लोगों को मारने का क्या बात है? साहब कौन होना चाहिए? गुंडा रेड्डी। गुंडा रेड्डी एमएलए है, उन्होंने तो अभी प्रेजेंट उन्होंने बड़े बड़े लोगों को देखते रहते सिर्फ बड़े। बीजेपी का टिकट किसको मिलना चाहिए? बीजेपी के टिकट गुंडा रेड्डी को मिलना। गुंडा रेड्डी को जी। गुंडा रेड्डी बस प्रदीप साहब को दो साहब। प्रदीप साहब? हाँ जी। और हम गुंडा रेड्डी को बोल रहे सर। गुंडा रेड्डी? गुंडा रेड्डी बम्बया क्या वो? अभी जो मैं आपको नाम बोल रहा नहीं बम्बया ने वो नहीं हूँ यहाँ पर। गुंडा रेड्डी साहब, शरनू सलगर साहब, अनिल साहब, प्रदीप साहब, ऐसे लोग हैं। वो अभी सोच कर बोलता हूँ, सोच कर बोलता हूँ। कब आंदे हम? हमारे खेत नहीं, जमीन नहीं, कुछ नहीं, हमारे को कुछ भी दिए नहीं। कौन नहीं दिए? कौन नहीं दिए? पहले बाद में देती हूँ। कौन नहीं दिए आपको? क्या ये बीजेपी वाला है? वेलकम टू PNN 24 न्यूज, मैं हूँ गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम बसो कल्याण तालुका के नारायणपुर विरेज में, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे अवाम से कि बीजेपी का बसो कल्याण से टिकट किसको मिलना चाहिए? जैसे कि शरनू सलगर साहब है, गुंडा रेड्डी साहब है, प्रदीप साहब है, अनिल साहब है, तो जानना चाहेंगे नारायणपुर की अवाम से, प्रतापपुर की अवाम से और उजलम की अवाम से कि बीजेपी का टिकट बसो कल्याण से किसको मिलना चाहिए? और आप भी कमेंट कर ज़रूर बताइए कि बसो कल्याण से बीजेपी का कैंडिडेट कौन होना चाहिए? बसो कल्याण से बीजेपी की टिकट किसको मिलना चाहिए? शरनू सलगर साहब है, गुंडा रेड्डी साहब है, प्रदीप साहब है, अनिल साहब है, तो किसको मिलना चाहिए? गुंडा रेड्डी साहब को मिलना चाहिए। गुंडा रेड्डी साहब को क्यों मिलना चाहिए? मतलब अब डेवलप के ऊपर है ना, डेवलप होगा तो अब शरनू सलगर साहब तो आए, डेवलप नहीं हुआ जरा, डेवलप होगा तो अच्छी बात है जी। डेवलप की बात है यहाँ गाँव, मैं प्रतापपुर शहर से बात कर रहा हूँ, प्रतापपुर गाँव से बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ डेवलप की वजह से ज़रा हमारा गाँव ज़रा दिख रहा नहीं, डेवलप हुआ तो ज़रा अच्छा है। गुंडा रेड्डी साहब को मिलना चाहिए। हाँ गुंडा रेड्डी साहब को कितने दिन से पहचानते आप? मैं अब तकरीबन 6 महीनों से देख रहा हूँ उनको, उनके रैलियाँ वो चल रहे हैं जी, और उनको मिलना टिकट अच्छा है। रैलियाँ देखे तो बस उनको मिलना, क्या कुछ अच्छा काम किए? चुप काम भी आगे करते होंगे बोल के सोचा समझ लो, अब जो भी आ रहे हैं काम नहीं कर रहे, काम से माने आता आदमी। आपका नाम क्या है? शेख मीरा है मेरा नाम जी। शेख मीरा। बसो कल्याण से बीजेपी का कैंडिडेट कौन होना चाहिए? शरनू सलगर साहब है, फिर गुंडा रेड्डी साहब है, प्रदीप साहब है,
फिर दूसरे दूसरे भी हैं तो किसको मिलना चाहिए? गुंडा रेड्डी जी। गुंडा रेड्डी क्यों? गुंडा रेड्डी सबको मिलना चाहिए। स्कॉलरशिप अटक रही, कुछ भी कामा नहीं हो रहे। हम तो है बीजेपी सपोर्टर, किसको भी मिले डालना पड़ता है। हम टिकट से मतलब रखते है, इनको उनको देखो क्या नहीं डालते। जिसको मिला टिकट उनको डालते है। किसको मिलना चाहिए? वैसे तो सब जन अच्छे अच्छे है, किसको भी क्या बोले सर का नहीं है। आपके दिल में थोड़ा बहुत कौन है? अब हमारा यूथ लीडर तो गुंडू रेड्डी है। देखेंगे किसको मिले उसको। हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी कुछ डालने वाले। बीजेपी की टिकट किसको मिलना चाहिए? गुंडू रेड्डी साहब है, शरणु सलगार साहब है, अनिल साहब है, प्रदीप साहब है, किसको मिलना चाहिए? कोई मिलने का हम कैसा बोलने आता है जी? हाँ, आप क्या चाहते हैं? बसो कल्याण से बीजेपी की टिकट किसको मिलना चाहिए? शरणु सलगार साहब है, गुंडू रेड्डी साहब है, प्रदीप साहब है, अनिल साहब है, किसको मिलना चाहिए? प्रदीप वस्तावाड़े को मिलना चाहिए, क्योंकि लोकल का आदमी है। लोकल का आदमी, हमारे घर का आदमी, हमारा ही काम करता है। बाहर के लोगों के बारे में कमेंट तो नहीं करना चाहता, पर भी लोकल का ही आदमी को मिलना चाहिए। लोकल वालों को मिलना चाहिए? बिल्कुल लोकल वालों को मिलना चाहिए। दूसरे भी लोकल वाले ना हो, कोई भी होते, एक्स वाई जेड लोकल का चाहिए। घर का शव होना, बाहर का चोर नहीं होना। गाँव वाला रहा तो गाँव में ही मसला हल होता है। बीजेपी कैंडिडेट कौन होना चाहिए एमएलए का? शरणु सलगार साहब है, गुंडू रेड्डी साहब है, प्रदीप साहब है, फिर दूसरे अनिल साहब है। शरणु सलगार को क्यों नहीं? मतलब अभी तो देखना, वो भी तो चल रहा है, अभी देखना भी क्या होता डिफरेंस अभी। उसको छोड़ के अगर किसको मिलना चाहिए तो? नहीं, दोनों में सही है, गुंडा रेड्डी भी सही है, शरणु सलगार भी सही है। मिलना दोनों में किसको, तो एक को समझो। दूसरे भी है, दूसरे का तो नहीं है चांसेस, मिले तो उनको दोनों में चल जा। बसो कल्याण से बीजेपी कैंडिडेट कौन होना चाहिए एमएलए के? जैसे कि शरणु सलगार साहब है, गुंडू रेड्डी साहब है, प्रदीप साहब है, अनिल साहब है, तो और भी किसको मिलना चाहिए टिकट? गुंडू रेड्डी सच को। गुंडू रेड्डी साहब को क्यों मिलना चाहिए उनको? क्यों बोले तो सरदार यंग जनरेशन में अच्छे काम करे उन्होंने। अच्छा, क्या क्या काम करे? क्या क्या काम करे बोले तो आँखों का वो पूरा डॉक्टर ला के एक चेकअप कर लगाए। अच्छा, तो यहाँ भी अभी रनिंग एमएलए भी है ना शरणु सलगार, उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए बोले तो? आप इंग्लिश हमारा इधर का होना, तो बसो कल्याण का। बसो कल्याण का होना? हाँ। अभी उन्होंने भी बसो कल्याण में घर लिए, दार लिए सब? तो नहीं लिए, कब लिए? अभी नहीं लिए, नहीं लिए अभी, अभी नहीं लिए। अगर लेंगे तो फिर कैसा होता है? पक्का होता है इधर का उनका भी, तो लिए के बाद देखेंगे वो। हाँ, लेकिन फिलहाल किसको मिलना चाहिए? बसो कल्याण के लोगों को मिलना चाहिए। बसो कल्याण में किसको? सरदार गुंडा रेड्डी को। गुंडा रेड्डी। बसो कल्याण से बीजेपी कैंडिडेट कौन होना चाहिए एमएलए का? शरणु सलगार साहब है, गुंडू रेड्डी साहब है, अनिल साहब है, प्रदीप साहब है, कौन होना चाहिए कैंडिडेट? गुंडू रेड्डी सर। गुंडू रेड्डी साहब क्यों होना चाहिए? अभी हमारे एक यह है, इच्छा है लोकल वाले को मिलना। और गुंडू रेड्डी सर क्या है, बहुत इधर हेल्थ कैंप ऑल ओवर हमारे बसो कल्याण में, आँखों का रंधे कौन सा भी रंधे हेल्थ कैंप फ्री में कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। फ्री में बोले तो वैसे नहीं, लोगों के पास जाके उनका तकलीफ सुन के हर गांव में, हर खेड़े में उनका क्या है एक योजना बना के, कैसा बोले तो वो गवर्नमेंट वाले भी नहीं कर सकते ऐसा हेल्थ कैंप, इन पर्सनली इनके तरफ से कर रहे हैं। वो क्यों बोले तो लोगों की सेवा के वास्ते कर रहे हैं, इसलिए लोकल में गुंडू रेड्डी सर ही होना। अब इलेक्शन आ रहा है, वोट के जीतने के लिए कर रहे होंगे ऐसा गुंडू रेड्डी साहब? वैसे नहीं, उन्होंने पहले से भी कर रहे हैं, अभी अभी तो नहीं, बहुत पहले से कर रहे हैं। उन्होंने पहले टीपी थे और झड़पी थे, तुम राजेश्वर में जाके सब पूछ सकते हैं, उन्होंने प्रॉपर उधर के है, उधर भी बहुत काम करे। हमारे बीदर डिस्ट्रिक्ट में स्वच्छ ग्राम बोले तो हनुमंतवाड़ी है, ये पूरा हमारे न्यूज़ में आया सो है, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, तुम जाके चेक कर सकता है। शौचालय मुक्त ग्राम बीदर डिस्ट्रिक्ट में है बोले थे हनुमंतवाड़ी। शरणु सलगार भी है ना अभी रनिंग एमएलए है? रनिंग एमएलए बोले तो हमको लोकल वाला चाहिए। क्यों बोले तो हम क्या समझते हैं बोले तो इधर का रहे तो बहुत केयर करता है, घर का ही अलग रहता है, बाहर का ही बाहर रहता है। बसो कल्याण से बीजेपी कैंडिडेट कौन होना चाहिए? शरणु सलगार साहब है, गुंडू रेड्डी साहब है, अनिल साहब है, प्रदीप साहब है, और दूसरे भी है, किसको कौन कैंडिडेट होना चाहिए? अच्छा कैंडिडेट होना, हमको काम करने वाले कैंडिडेट होना, जो रेगुलर काम करता है। कौन होना चाहिए चारों में से, कौन होना चाहिए? आप जो कर रहे हो, गुंडू रेड्डी साहब है, फिर शरणु सलगार साहब है, जो अच्छा कर रहा है वो होना। अच्छा कौन कर रहा है? कौन को मालूम? तो फिर तुम कुछ नहीं मालूम? हमको कैसे मालूम नहीं वाला? तो
कौन होना चाहिए कैंडिडेट था? आपको तो मालूम होना चाहिए ना। अच्छा अच्छा बोल रहे। अब अच्छा तो अच्छा तो कोई भी नहीं है इंडिया में। अच्छा इंडिया में कौन सा लीडर अच्छा नहीं है? अब खुला बोलूँ तो मैं अब तो चार दिन के मेहमान हो कौन सा ऐसे भी काम पक्का होना काम पहुँचा दिया। अब कोई भी नहीं बोलो तो अब कैसा वो इलेक्शन कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। क्या है जिसका किस्मत उन्हें आता है वो किस्मत है। किस्मत गुंडरड्डी सबको पसंद है? पसंद है। हाय नंबर करो देखिए। हाय गुंडरड्डी नंबर करो आप। देखिए आपसे काम करना बोलते हैं। सबको मिलना सबको नहीं मिलता। किसको मिलना चाहिए? गुंडरड्डी बोलो और क्या। बसों कल्याण से बीजेपी कैंडिडेट कौन होना चाहिए? शरणु सलगर साहब है, गुंडू रेड्डी साहब है, प्रदीप साहब है, अनिल साहब है, तो किसको मिलना चाहिए टिकट? शरणु सलगर को मिलना चाहिए जी। क्यों मिलना चाहिए उनको? अभी हाँ हाँ क्यों मिलना चाहिए बोलो तो अब 1.5 साल होगा रनिंग में। उन्होंने अच्छा काम किया है तालुके के लिए और अच्छा भी व्यक्ति है। बीजेपी से कैंडिडेट कौन होना चाहिए एमएलए के? फिर शरणु सलगर साहब है, गुंडू रेड्डी साहब है, फिर दूसरे दूसरे भी है, किसको मिलना चाहिए? हमको गुंडू रेड्डी चाहिए जी। गुंडू रेड्डी? गुंडू रेड्डी क्यों? अच्छा काम करते हैं जी। शरणु सलगर साहब भी हैं? उन्हें भी करते हैं। गुंडू रेड्डी चाहिए। गुंडू रेड्डी चाहिए। बसों कल्याण से एमएलए कैंडिडेट कौन होना चाहिए? शरणु सलगर साहब है, गुंडू रेड्डी साहब है, प्रदीप साहब है, अनिल साहब है, कौन होना चाहिए? शरणु सलगर साहब होना जी। यस। बाहर का है अंदर का है? बाहर का वो कुछ भी नहीं, उन्होंने जितने काम कर रहे हैं कोई भी नहीं कर रहा। क्या क्या काम कर रहे हैं? बसों कल्याण में जो भी काम कर रहे हैं ना बीजेपी का, एक नंबर कैंडिडेट है शरणु सलगर, उनको मिलना टिकट। कल्याण से बीजेपी कैंडिडेट कौन होना चाहिए? शरणु सलगर साहब है, गुंडू रेड्डी साहब है, फिर प्रदीप साहब है, अनिल साहब है, किसको मिलना चाहिए? हमारे को अपना सब मालूम नहीं होता जी। कौन मिले हो? एक नाम बोलिए। नको नको क्या? किसको मिलना चाहिए? किसको नहीं मिलता समझो। नकोच बसों कल्याण से एमएलए कैंडिडेट कौन होना चाहिए बीजेपी से? जैसा कि शरणु सलगर है, फिर गुंडू रेड्डी साहब है, फिर प्रदीप साहब, अनिल साहब, किसको मिलना चाहिए टिकट? गुंडू सलगर है, गुंडू रेड्डी। किसको मिलना चाहिए? गुंडू रेड्डी की मिलना। गुंडू रेड्डी क्यों मिलना चाहिए? पहले काम बहुत करे साहब। क्या करे काम? हमारे गाँव में करे। क्या क्या करे? जेपी मेंबर होता है, आते करते थे, देवस्थान को पैसे देते थे, जाते थे, बहुत सारे काम करे। और दूसरे शरणु सलगर भी है ना? शरणु सलगर भी है, पर नवीन आया ना ये गोरी सवा। शरणु सलगर कुछ काम करे या नहीं करे? करे रोड का ही, गांव में क्या करे? कुछ भी नहीं करे। से बीजेपी का टिकट किसको मिलना चाहिए? शरणु सलगर साहब है, गुंडू रेड्डी साहब है, फिर प्रदीप साहब है, अनिल साहब है, किसको मिलना चाहिए? गुंडू रेड्डी साहब। किसको? गुंडू रेड्डी साहब। गुंडू रेड्डी साहब को क्यों मिलना चाहिए? नया है जी? नया है, कुछ कर सकते हैं। कुछ कर सकते हैं? पहले कुछ करे तो सुने आप? नहीं, वर्क उनका नाम सुना, अच्छा है, अच्छा आदमी, तो उनको कुछ मिलना चाहिए। शरणु सलगर भी है ना? है ना, कुछ 18 महीने में कुछ किया ही नहीं। हाँ 18 महीने में कुछ किया ही नहीं। 18 महीने में कुछ भी नहीं किए? कुछ नहीं किए। शरणु सलगर बोले क्लियर क्लियर क्या है? हाँ कुछ किया ही नहीं। काम क्या किया? काम नहीं किए। नहीं किया। रोड बनाए, ये बनाया, कुछ वैसे बोल? कुछ नहीं सर, ये मलगी रोड बना, पूरा कच्चा बना है, 1 महीने में खराब हो गया रोड। खराब हो गया? हाँ। किसको मिलना चाहिए भी टिकट बसों कल्याण से एमएलए बीजेपी? रेड्डी को। रेड्डी रेड्डी को मिलना चाहिए बीजेपी से टिकट बसों कल्याण से? गुंडा रेड्डी। गुंडा रेड्डी को। गुंडा रेड्डी साहब को क्यों मिलना चाहिए? उन्हें साहब अच्छा करते काम। अच्छा करते। आपको ऑटो रेडी है? ये साल है क्या? हाँ ये साल। तो किसको मिलना चाहिए? गुंडा रेड्डी को। शरणु सलगर कल्याण से एमएलए का टिकट किसको मिलना चाहिए? शरणु सलगर साहब है, गुंडू रेड्डी साहब है, प्रदीप साहब है, अनिल साहब है, किसको मिलना चाहिए? हमारे को, हम देखेंगे आप गए सोन कर को। कौन कर को देखते हैं? नहीं सोन कर को देखते हैं। तो किसको मिलना चाहिए टिकट? टिकट हम इसको देते हैं, वो क्या बम्बैया, बम्बैया क्या वो? अभी जो मैं आपको नाम बोल रहा हूँ बम्बैया ने, वो नहीं हो यहाँ पर। गुंडू रेड्डी साहब, शरणु सलगर साहब, अनिल साहब, प्रदीप साहब, ऐसे लोग हैं। वो अभी सोच कर बोलता हूँ, सोच कर बोलता हूँ। कब आंदे हम? हमारे खेत नहीं, जमीन नहीं, कुछ नहीं, हमारे को कुछ भी दिए नहीं। कौन नहीं दिए? कौन नहीं दिए? पहले बाद में देती हूँ। कौन कौन नहीं दिए आपको? क्या ये बीजेपी वाला क्या दिया है? शरणु सलगर साहब।
उन्हीं में नहीं, वो मोदी सरकार भी नहीं दिया हमारे को। क्या भी नहीं दिए? नहीं, वो खेता बड़े वालों को सबको चार चार पाँच पाँच स्कीमा दे रहे उन्हें, हमारे को कुछ भी नहीं दे रहा, तो हम उसको वोट के देंगे? हमें उसको वोट नहीं देने वाले तुम? हाँ नहीं देने वाले, हाँ नहीं देने वाले। फोटो कार्ड को लेकर जाओ, क्या करते कैसे करो, हम देने वाले नहीं। किसको मिलना चाहिए बीजेपी से टिकट बसों कल्याण से? गुंडा रेड्डी को जी। गुंडा रेड्डी को? गुंडा रेड्डी सबको क्यों मिलना चाहिए? वो अच्छा आदमी है, सब काम करने वाला है, हमारे गाँव का तालुके का आदमी है, इसलिए हमारा हमारे को उन्हों चाहिए। गुंडा रेड्डी साहब क्या काम करे? गुंडा रेड्डी साहब बोल रहे हैं आप? क्या नहीं किया उसने? ओ लॉकडाउन में साड़ी बांटा सब कर रहे उन्होंने। शरणु सलकर भी बांटा है, लेकिन हमारे तालुके के नहीं है उन्हों। हाँ तालुके के एमएलए है ना उन्होंने? रहने दो ना फिर, उनका क्या? तो टिकट किसको मिलना चाहिए? गुंडा रेड्डी को मिलना चाहिए। गुंडा रेड्डी साहब हाँ। बसों कल्याण से किसको टिकट मिलना चाहिए? कोई सा पड़ेगा बीजेपी पार्टी का? हाँ बीजेपी पार्टी का। बीजेपी किस? हम बीजेपी बोले जी। टिकट किसको मिलना चाहिए? शरणु सलकर साहब है, गुंडू रेड्डी साहब है, फिर अनिल साहब है, प्रदीप साहब है, किसको मिलना चाहिए? क्या बोल दिया बस, उन्हें वो क्लियर नहीं आया। शरणु सलकर साहब बोल दिया। बसों कल्याण से बीजेपी का टिकट किसको मिलना है? एमएलए का? कांग्रेस को मिलना। बीजेपी का टिकट कांग्रेस को कैसा मिलना? कैसे मिलना बोले तो परिवर्तन कुछ भी नहीं है, करना ही पड़ेगा कुछ तो भी, और ये सीट बदलते ही रहना पड़ेगा। हाँ क्या करे उन्हों, 300 का सिलेंडर 1100 कर दिए। कौन करे? मुरली करे। हाँ बीजेपी करी, क्या कर रहे? इधर सिलेंडर बढ़ाया तो इधर आदमियों का पेंशन दे रहा नहीं है, तो इधर सिलेंडर कम है तो पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, क्या कर रहे? ऐसा करना है, क्या करना है? बर्खास्त। किसको बर्खास्त करना है? बीजेपी को बर्खास्त। बीजेपी को? हाँ बर्खास्त करो। किसको लेकर आना? कांग्रेस को लाना। कांग्रेस तो बीजेपी का टिकट बसों कल्याण से किसको मिलना चाहिए? शरणु सलकर साहब है, गुंडू रेड्डी साहब है, अनिल साहब है, प्रदीप साहब है, तो किसको मिलना चाहिए? अभी काम करने का दो ही है, शरणु सलकर नहीं तो गुंडा रेड्डी जी। दूसरे अभी नया है, उनको कोई सुधारता नहीं। तो अभी दोनों में से किसको मिलना चाहिए टिकट? दोनों में से गुंडा रेड्डी, नया पार्टी है, अच्छा आदमी है, मिले तो अच्छा है। गुंडा रेड्डी को? शरणु सलकर भी है ना? शरणु सलकर है, करके देखे ना जी, देखे काम देखे, उसका मतलब अच्छा कर रहे? वो अच्छा कर रहे बुरा कर रहे, लेकिन पब्लिक नाराज है उनके ऊपर। किससे नाराज है? शरणु सलकर से। गुंडा रेड्डी एक अच्छा आदमी है, मिले तो अच्छा है उसको, हम बोल रहे हैं। अब उसकी मर्जी भगवान की। क्या नाम है सर आपका? करण सिंह। कहाँ पे रहते हैं आप? यहीं पे रहते हैं। कौन सा? नारायणपुर। नारायणपुर। बसों कल्याण से एमएलए का टिकट किसको मिलना चाहिए? बीजेपी पार्टी से शरणु सलकर साहब है, गुंडू रेड्डी साहब है, प्रदीप साहब है, अनिल साहब है, किसको मिलना चाहिए? गुंडा रेड्डी को चाहिए टिकट। गुंडा रेड्डी को? तो शरणु सलकर और दूसरे भी है ना, वो क्या करने वाले रहे ना, तो कभी कहे ना रनिंग में, उन्होंने तो टिकट मिलता है उनको, काम करना मांगते ना। शरणु सलकर साहब अब आया, क्या काम करे बताओ? बोलो नारायणपुर में कुछ भी नहीं, पूरा आए भी नहीं इधर पलट के, नारायणपुर में आए भी नहीं, चुप हुआ गाड़ी, तो पंचायत में एक बार आए थे उन्होंने, काम नहीं हो रहा ना। क्या तुम यहाँ चाहे तो तुमको मालूम नहीं रहता, हम बोलने से क्या उनको भी मालूम होना पड़ता है? वो चुप, एक बड़ा काम वो किरण लाके बिठाई उधर काम कर रहे हैं, वो तो क्या काम है, चलने के काम करते जो तो गुंडू रेड्डी साहब करेंगे आगे, ऐसा क्यों लगता है? करते बोल के क्या, एक बार चांस दे के देखना पड़ेगा ना, क्या करते बोल के मालूम किसको होता है? मैं बहुत कुछ बोलता हूँ, लेकिन कब से पहचानते गुंडू रेड्डी साहब को? 10-12 साल से पहचानते, उन्होंने क्या नया आदमी है यहाँ तरह करते, गुमराबाद में करे ना उन्होंने काम। तो शरणु सलकर साहब से आप नाराज हैं? हम नाराज किसी से भी नहीं है। हाँ। नाराज किसी के ऊपर नहीं, काम होना किसका तो भी बोलते हैं हम, क्या बोलते जी? क्या काम हो गया बोलो बोलो उनको, उन्हें खुद बोलना ये हम करें देखो काम बोल के, पब्लिक को चाहे दिखाने की जरूरत नहीं, करके देखो पब्लिक खुद पहचानती है, हम बोलने का बड़ापन नहीं है हमारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वनाथ है। कहाँ रहते? इधर ही रहते। इधर मतलब? नारायणपुर में। बसों कल्याण से एमएलए का टिकट किसको मिलना चाहिए? बीजेपी पार्टी से शरणु सलकर साहब है, गुंडू रेड्डी साहब है, फिर प्रदीप साहब है, अनिल साहब है। गुंडू रेड्डी को मिलना चाहिए। गुंडू रेड्डी को? हाँ। क्यों गुंडू रेड्डी को मिलना चाहिए? अच्छा आदमी है, वो जनपद स्पंदन करता है, लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछने का आता है। शरणु सलकर साहब है, वो हमको कुछ को बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, छोटे आदमी को नहीं देखते हैं।
नहीं देखता है, ऐसा रहता है। कौन हमको चाहता है, उसको हम चाहते हैं। गुंडू रेड्डी चाहते हैं आपको? चाहते हैं। कितने साल से चाहते हैं? जब टीपी अध्यक्ष था, जब से हम उसे चाहते हैं। उन्हें हमको चाहते हैं, हम उसको चाहते हैं। तो अभी किसको मिलना चाहिए? गुंडू रेड्डी को मिलना चाहिए। चरण सरकार साहब अब तक नहीं आया था? नहीं है। कौन सा गाँव है ये? नारायणपुर है। नारायणपुर किसको मिलना चाहिए टिकट? गुंडू रेड्डी को। गुंडू रेड्डी अच्छे आदमी है, इसलिए अच्छे आदमी है, अच्छा आदमी है, काम करता है ये तो। इन्हें आप जीत को नहीं, एक बार नहीं आया हमारा गांव को। कौन नहीं है? सरकार नहीं है, नहीं है, एक बार नहीं आया हमारा। तो बोल रहे ना बहुत सारे काम हो गए। क्या काम करे, क्या काम करे? वही काम को कंटिन्यू चल रहा है। आपको क्या काम करे? कुछ भी नहीं। कौन सा गाँव वाले आपको? नारायणपुर। नारायणपुर वाले? हाँ। तो टिकट किसको मिलना चाहिए? गुंडू रेड्डी। बसो कल्याण से बीजेपी कैंडिडेट कौन होना चाहिए? सरनू सलगार साहब है, गुंडू रेड्डी साहब है, फिर प्रदीप साहब है, अनिल साहब है, कौन होना चाहिए? गुंडू रेड्डी। गुंडू रेड्डी साहब? क्यों गुंडू रेड्डी साहब? क्योंकि काम सही करते हैं ना। हा? काम सही करते हैं। क्या क्या सही करते हैं? कौन सा भी गरीब का काम पहले कर लेते हैं। क्या क्या करे अब तक काम आप? हमारे दो तीन काम है साल करे। क्या क्या करे? जो भी हमारे काम का मजबूरी था उन्होंने पूरा करके दिया। सरनू सलगार साहब भी है ना अभी? कोई काम के नहीं आते। एमएलए है उन्होंने तो अभी प्रेजेंट? उन्होंने बड़े बड़े लोगों को देखते रहते सिर्फ। बड़े लोगों को देखते? हाँ, छोटे गरीबों को नहीं देखते। तो गरीबों को देखने वाला होना क्या, बड़े लोगों को देखने वाला? गरीब को देखने वाला एमएलए कौन है फिर? गरीब को देखने वाला ये अपने हीरो रेड्डी। कौन है? रेड्डी साहब हमारे। रेड्डी साहब कहाँ रहते हैं? रेड्डी साहब इसमें राजेश्वर में हमना आदमी। हाँ, बसो कल्याण के बाद हो रहा है? नहीं, बसो कल्याण का नहीं, ये गुंडू रेड्डी यहाँ रहती क्या? रेड्डी आने रहते बरोबर है। हाँ बसो कल्याण तो अभी नहीं, टिकट मिलना है तो गुंडू रेड्डी को मिलना टिकट। हम गुंडू रेड्डी के अपोजिट जाते थे। बसो कल्याण से बीजेपी का टिकट किसको मिलना चाहिए? सरनू सरकार साहब है, प्रदीप साहब है, गुंडू रेड्डी साहब है, अनिल साहब है, किसको मिलना चाहिए? हाँ सर, गुंडू रेड्डी जरा फर्स्ट और चैप्टर आदमी है और उन्होंने सबको समझ पड़े सोचे। कौन? गुंडू रेड्डी। गुंडू रेड्डी को? गुंडू रेड्डी। गुंडू रेड्डी? हाँ। गुंडू रेड्डी को मिलना चाहिए। गुंडू रेड्डी को? गुंडू रेड्डी। क्यों गुंडू रेड्डी को मिलना चाहिए? तो अभी हमारे लोकल बसो कल्याण तालुक में कोई गरीब है, कोई कैसा है, सबको उन्होंने देखते हैं और सबको संपर्क है उनका। सरनू सलगार साहब? सरनू सलगार उधर से आए अभी दो अढ़ाई साल का है, उनका फ्रेंड है। कभी किसी को मिले, कभी किसी को नहीं मिले। हाँ। तो हमारे तालुके को कन्वर्ट ज़्यादा कम तो नहीं होते। हाँ। नहीं होने के वजह से नहीं, हमारे लोकल बैच के ऊपर हम गुंडू रेड्डी को बोल रहे सर। गुंडू रेड्डी।